बालों की समस्या आज के वक्त में एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। बालों पर ध्यान न देने, प्रदूषण, गंदगी, सूरज की यूवी किरणें, हार्मोनल असंतुलन और स्ट्रेस बालों की ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स आपको डाइट और लाइफस्टाइल को सही करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा आप कुछ घरेलू उपायों की मदद से भी बालों की ग्रोथ को बेहतर बना सकते हैं। दरअसल सदियों से भारतीय मसालों में दालचीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसका इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या दालचीनी बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दालचीनी बालों की ग्रोथ के लिए किस तरह से फायदेमंद होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दालचीनी में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो बालों की हेल्थ में सुधार करते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बालों के झड़ने की समस्या को कम करते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प की समस्याओं जैसे कि डैंड्रफ और खुजली से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इन समस्याओं को दूर करने से आपके बालों की ग्रोथ में सुधार होता है। इसके अलावा दालचीनी आपके सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकती है और बढ़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन हेयर फॉलिकल्स को जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करता है जिससे बालों की ग्रोथ होती है। दालचीनी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। ये समय से पहले बालों के झड़ने और पतले होने से रोकते हैं। इसके अलावा दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। ये सिर की त्वचा में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। सूजन बालों की ग्रोथ को बाधित कर सकती है, इसलिए इसे कम करना जरूरी होता है। वहीं दालचीनी में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो सिर की स्किन में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। बैक्टीरिया की अधिकता बालों के जड़ों को कमजोर करती है और बालों के झड़ने का कारण बन सकती है। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है आइए इस वीडियो में जानते हैं। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को नारियल तेल या जैतून के तेल के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को अपने सिर की स्किन पर लगाएं और कुछ वक्त के लिए छोड़ दें, फिर बालों को शैम्पू से धो लें। इसके अलावा आप अपने रेगुलर शैम्पू में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिला सकते हैं और अपने बालों को धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दालचीनी पाउडर को पानी में उबालें और ठंडा होने दें। इस टॉनिक को अपने बालों और सिर की स्किन पर लगाएं और कुछ वक्त के लिए छोड़ दें, फिर धो लें। अपने बालों में दालचीनी का इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बालों की समस्या होने पर आप पहले उस समस्या का इलाज कराएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।